सनसनी ऑफ इंडिया। आर के पुरम क्राइम ब्रांच की टीम ने मर्डर केस में वांटेड और 20,000 रुपए के इनामी जीजा साले की एक ऐसी जोड़ी को दबोचा है जो पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर अंडरग्राउंड हुई पड़ी थी। पुलिस लोकेशन ट्रैक न कर ले इसके लिए जीजा साले की जोड़ी बार बार अपने मोबाइल नंबर और ठिकाने बदल रहे थे। आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने की लाख कोशिश की, लेकिन जैसे ही मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा इनकी चालाकी धरी रह गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी 25 वर्षीय अरमान व 22 वर्षीय अजहर के रूप में हुई है। आरोपी अजहर आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पहले से ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 6 आपराधिक मामले दर्ज है। दिनांक 16 दिसंबर 2022 को थाना अमन विहार दिल्ली में फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक गीता शर्मा नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना अमन विहार में एफआईआर संख्या 1121/2022 धारा 302/120 व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सामने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज हैं दीपक की वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, और जो दीपक की वाइफ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए, और इन्होंने वापस नहीं किए। इन्होंने कुछ किया डिली डेलिंग की अभी हम आज नहीं कल करेंगे, तो वो लोग शराब के नशे में थे कुछ शख्स जो इनके जो भाई थे, और उनके कुछ एक दो कंप्लेंस उनका भी वो लोग अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को उठा लिया। इस वारदात में शामिल 4 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अरमान और अजहर नाम के 2 आरोपी वारदात के बाद से ही फरार हो गए थे। थाना अमन विहार पुलिस ने फरार दोनों आरोपियों को खोजने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन काफी समय बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं खोज पाए। कोर्ट ने फरार दोनों आरोपियों पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। जब वारदात को काफी समय हो गया और स्थानीय पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब विशेष पुलिस उपायुक्त रविंद्र सिंह यादव ने मामले को सुलझाने की जिम्मेवारी आर के पुरम एनडीआर क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपी। टास्क मिलते ही जॉइंट सीपीएसडी मिश्रा और डीसीपी अमित गोयल ने एसीपी उमेश बर्थवाल की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विवेक मलिक के नेतृत्व में एसआई सम्राट कातियान, तनिष कुमार, अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल सुधीर, सतपाल, सुशील, ओम प्रकाश और संजय की एक क्रेक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने केस को बारीकी से स्टडी किया तो पाया कि आरोपी व्यक्ति घटना से पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में रह रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने मोबाइल नंबर और ठिकाने बदल रहे हैं। आरोपियों का सुराग खोजने के लिए इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने टीम के हर एक सदस्य को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी। टीम ने आरोपियों की पूरी फैमिली के साथ उनके दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के लगभग सैकड़ों मोबाइल नंबरों को खंगाला, ताकि कब कहां से किसी के पास आरोपियों का फोन आ जाए और कोई क्लू मिल जाए। लेकिन सारी मेहनत बेकार। टीम ने एक ऐसी हिना नामक महिला का नंबर भी रडार पर लगा रखा था जो फरार आरोपी अजहर की बहन और फरार आरोपी अरमान की पत्नी लगती थी, लेकिन हिना के नंबर से यह पता चलता था कि यह कुछ लोगों से तो बात करती है, लेकिन जितने भी लोग थे सब रिश्तेदार थे। आरोपी अरमान और अजहर शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहे थे। टीम अंधेरे में थी। धीरे धीरे काफी समय निकल गया, लेकिन टीम लगी हुई थी कि किसी भी हाल में आरोपियों को खोजना था। आरोपी की पत्नी हिना के मायके वालों के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगाए, लेकिन पता चला कि वो भी अपने मायके वालों के संपर्क में नहीं थी। टीम के सामने अब ले देकर एक ही करैक्टर बचा था जिसके साथ आरोपी अरमान और अजहर दोनों क्लोज थे, वो थी आरोपी अरमान की पत्नी व आरोपी अजहर की बहन हिना। तो टीम की अब पूरी उम्मीदें हिना पर टिकी हुई थी। एसीपी उमेश बर्थवाल को पूरा भरोसा था कि दोनों आरोपी हिना के संपर्क में जरूर होंगे। अब सारी उम्मीदें हिना पर टिक गई थी। पुलिस ने हिना के सभी नंबर ट्रेस करके अपने पास रखे और हर नंबर की बातचीत को चुपचाप सुनते भी थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एसीपी उमेश बर्थवाल का शक सही निकला। जांच के दौरान इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने हिना की एक ऐसी एक्टिविटी नोट की जिससे आरोपी पकड़ में आ गए। हिना जब 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती तो अपना मोबाइल ऑन करके घर में ही छोड़ देती थी। यही बात इंस्पेक्टर विवेक मलिक को खटक गई। क्राइम ब्रांच की टीम हैरान कि हिना को अपना फोन ऑन करके घर में छोड़कर जाने की क्या जरूरत है।
इंस्पेक्टर विवेक मलिक को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो फोन को ऑन करके घर पर छोड़कर जाने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है। सारी निगरानी और छानबीन करने बाद टीम को लगा क्यों न हिना को टटोला जाए। इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने हिना की हर एक एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिस टीम को तैनात कर दिया। हिना बहुत कम घर से निकलती थी, फिर भी टीम ने 24 घंटों कई दिनों तक हिना पर नजर बनाए रखी। दिनांक 15 मई को अपने साहिबाबाद वाले घर निकली। क्राइम टीम भी भेष बदलकर सादी वर्दी में उसके पीछे होली। घर से निकलते हिना ने पहले रिक्शा किया, फिर कुछ दूर जाकर ऑटो से बस स्टैंड गई। बस स्टैंड से मेरठ जाने वाली बस में बैठ गई। हिना के मोबाइल की लोकेशन अभी भी उसके घर की आ रही थी। इंस्पेक्टर विवेक मलिक को अब पूरा भरोसा हो गया था कि पुलिस को चकमा देने के लिए फोन को ऑन करके जानबूझकर घर पर छोड़ा गया है। एक क्राइम टीम लगातार हिना पर नजर बनाए हुई थी। मेरठ में बस से उतरने के बाद हिना काफी देर इधर उधर घूमती रही। जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तब वो मेरठ से मुरादनगर जाने वाली बस में बैठ गई। मुरादनगर में बस से उतरने के बाद हिना बस स्टॉप पर बैठकर किसी का इंतजार करने लगी। तभी एक व्यक्ति हिना की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। टीम एकदम अलर्ट मोड में आ गई। इंस्पेक्टर विवेक मलिक का शक सही निकला। हिना से मिलने आने वाला कोई और नहीं, उसका पति अरमान था। क्राइम टीम यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। तुरंत अरमान को चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। अरमान की निशानदेही पर उसके साले अजहर को भी दिल्ली के मौजपुर इलाके से दबोच लिया। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने मर्डर की वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पहला आरोपी 25 वर्षीय अरमान एक स्कूल ड्रॉप आउट है और प्राइवेट ड्राइवर का काम करता है। दूसरा आरोपी 22 वर्षीय अजहर आरोपी अरमान का सगा साला है और इसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। ये दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से जल्द पैसा कमाने के लालच में क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ थाना साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में 5 व थाना फर्श बाजार दिल्ली में एक मामला दर्ज है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।